देखो यार, बड़ी ऑनेस्टली बताऊं तो कुकिंग मेरी बस की है नहीं, और आज घर पे भी मेरे कोई है नहीं। कुछ दिन पहले ना मैंने फूड DIY किट्स ऑर्डर की थी, आज उनको यूज करने का बढ़िया मौका है। मतलब हाँ, Zomato से भी ऑर्डर मैं कर सकता हूँ, बट कुछ नया करते हैं ना आज। बाय द वे, DIY का मतलब होता है डू इट योरसेल्फ। हिंदी में समझाऊं तो मतलब खाने के जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उनको ना प्रिपेयर करके पैक करके भिजवाया हुआ है, बस मुझे असेंबल करना है, ये सीन है। साउंड इजी ना? आई होप सो। आसान होना चाहिए भाई, वरना तो लग जाएगी मेरी। ये मेरे हाथ में है आज का मेरा ब्रेकफास्ट DIY किट, एंड दिस इज इटालियन किनोआ नरिशिंग बाउल। और हाँ, साथ में ना मेरे पास ये स्मूदी किट भी है। पहले इसको खोलें। ओ नाइस, ये तो सही सिस्टम है। ओ बाप रे, ये तो इतना सारा सामान है भाई। चेक दिस आउट गाइस, वेजीज, ये क्या है? ओ नाइस, इटालियन ड्रेसिंग। ये मुझे चिकन लग रहा है, टॉर्टिया चिप्स, थ्री, क्या है ये, थ्री बीन मिक्स, किनुआ। अरे यार, ये तो लंबा चौड़ा प्रोसेस है भाई। ये देखना, सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। मुझे सच में लगा था एक बाउल उठाना है, ऐसे ऐसे चीजें डालनी है, मिक्स करना है, रेडी। बट कोई नहीं, हम होंगे कामयाब, क्योंकि मैं एक एक करके सारे स्टेप्स ढंग से फॉलो करूंगा, ठीक है। पहले एक पैन के अंदर डालना है किनुआ। ये गया भाई हमारा किनुआ। अब क्या करना है भाई? ओके, थ्री बीन सॉस, ये तो निकाल ही नहीं रहा पैकेट से बाहर। अब इसमें डालेंगे हम फजीता सीजनिंग एंड फजीता वेजिटेबल। अरे भाई, थोड़ा बहुत हिलाना भी है, शिट, मैं तो बस सब कुछ डाल ही जा रहा हूँ। बढ़िया से मैंने मिक्स कर लिया। अब ना इसके अंदर मुझे डालना है चिकन। बस यार, अब इसको थोड़ी देर कुक करना है, हो ही गया ऑलमोस्ट। ओ शिट, इसके अंदर मैं ऑयल डालना भूल गया भाई। ओ शिट, ऑयल ना डालने की वजह से ना मेरा किनवा, देखो यार, पैन भी चिपक गया भाई। मेरी बस की नहीं है यार कुकिंग शुकिंग, सही में। मुझे ना यार फील आ रही है, हमारा वो नरिशिंग इटालियन किनवा बोल रेडी हो चुका है। वो हो, शिट यार, मेरा पैन खराब हो गया। इसमें ना थोड़ी ड्रेसिंग वगैरह डालनी है, वो थोड़ी देर में डालते हैं। स्मूदी बनाए यार, स्मूदी वाला डब्बा ना सही सा लग रहा है मुझे। वो देखना भाई, मैंगो ड्यू इट, बेरी बूस्टर, वेकअप कॉल। मैं बनाने वाला हूँ ये वेकअप कॉल, चेक दिस आउट भाई। ये इंस्ट्रक्शंस है इसको बनाने के, और साथ में ना भाई ये चिया सीड्स और क्या है, मुसली भी आई है। ओके, एज पर इंस्ट्रक्शंस, मिल्क के अंदर ये वेकअप कॉल प्योरे डालनी है। ओके, थोड़ी सी मुसली भी डाल देते हैं। ओके, 3 2 1 भाई सब कुछ सेट हो गया, अब बहुत तेज भूख लगी है, लेट्स ईट नाउ। चीयर्स भाई। ओ यार, इस स्मूदी में से ना मुझे बनाना और नट्स का फ्लेवर ज्यादा आ रहा है। मैंने पढ़ा था कि ये इसके अंदर कॉफी भी होगी, बट कॉफी का इतना कुछ खास फ्लेवर आ नहीं रहा, एंड ये ना इतनी ज्यादा थिक नहीं है, इट्स लिटिल रनी। मैं तो इसके लिए एक्साइटेड हूँ। ये गई भाई इसके अंदर इटालियन ड्रेसिंग, टॉर्टिया क्रिस्प्स। ओके, नाउ वी मिक्स इट अ लिटिल। ओके यार, दिखने में बहुत सही लग रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये बढ़िया होने वाला है आई गेस। चेक दिस आउट गाइस, मारे भाई इसकी एक बाइट। भाई फजीता मसाले का अलग ही फ्लेवर आ रहा है, एंड इटालियन ड्रेसिंग जो डाली है ना, ओहो, और इन्होंने साथ में जो नाचोस दिए ना भाई, बांध दी इन्होंने। मैंने इस पूरी DIY किट के लिए 299 रुपीस पे किए हैं। वैसे अगर मैं 299 रुपीस का किनुआ बाउल Zomato से मंगवाता तो भी आ ही जाता यार, बस उसमें मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट एनीवे, ये भी भाई मैंने बढ़िया बनाया, मतलब हाँ यार, मैंने ही बनाया भाई। ये रिफ्रेशिंग बाउल मैंने ख़त्म कर दिया, स्मूदी थोड़ी सी बच गई है। बुर्रा, टू टाइम्स है अब, एंड फिर देखते हैं यार क्या खाना है। A few moments later. यार लंच के लिए ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पता है क्यों? क्योंकि लंच में है बर्मीज खाओसोए, और हम एक डेजर्ट भी बनाने वाले हैं। मैं बनाने वाला हूँ बानॉफी पार्फेट विथ टॉफी सॉस एंड स्लाइस आमंड्स।
बनाने तो दूर की बात, भाई मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है। पहले बनाते हैं अपना बर्मीज खोसोए। इस डब्बे के अंदर क्या क्या, एक बार आपको जल्दी से दिखाऊं। ओ भाई साहब, इतनी बड़ी बुकलेट आई है यार। हैं, ये इतना कुछ करना पड़ेगा क्या भाई? इससे बढ़िया मैं जोमैटो से ऑर्डर ना कर लेता। मतलब मैं पैसे भी दूं, फिर मैं बनाऊं भी सही, मेहनत भी करूं। अबे यार, वीडियो के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एनीवे, तो इन्होंने मुझे दिया है वेजिटेबल्स, कॉन्डिमेंट, ग्राम फ्लोर, कोकोनट मिल्क पाउडर, नूडल्स, फ्लेवर बॉम्ब, चिली ऑयल, स्पाइस पेस्ट। बाप रे, ऐसा लग रहा है मेरे मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे हैं और पूरा सिलेबस बचा है अभी। अच्छा, इन्होंने ना असेंशियल इक्विपमेंट्स भी लिखे हैं और असेंशियल्स भी लिखे हैं। और सबसे पहले ना हमें नूडल्स बॉयल करनी है। भाई देखो, नूडल्स बॉयल होने में तो अभी 10 मिनट लगेंगे, तब तक डेजर्ट बनाएं। भाई ये रेसिपी है बनॉफी पार्फे की। शुरू करें फिर। केले भेजे हैं। पतले पतले से पहले बनाना स्लाइसेस काटेंगे। अब ना इसको डालना है एक बाउल में। चल भाई, क्यों नखरे कर रहा है। और फिर मिक्स करनी है थोड़ी सी, भाई तो निकल ही नहीं रही, टॉफी सॉस। तू तो बड़ी जिद्दी है भाई। फिर भाई एनू करेंगे हल्का हल्का मिक्स। चलो भाई, हो जाओ मिक्स। शाबाश भाई, जितनी मिक्स होनी थी हो गई। बाकी टॉफी सॉस मैं ब्रेड पे लगा के खाऊंगा। मैं ना इसके अंदर अपनी बनॉफी पार्फे बनाने वाला हूँ। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे हम कुकी क्रम्स। ओहो, अब इसके अंदर जाएगा हमारा एक टॉफी वाला बनाना। ओके, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब बारी है व्हिप क्रीम की। ओ नाइस भाई। अब थोड़ा सा इस पे ये बादाम डालेंगे। हो गया। ओए होए 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 होए, खूबसूरती भाई, ये तुम्हारे भाई ने बनाया है, मतलब प्राउड हो रहा है मुझे। इसको ना आप थोड़ी देर रेफ्रिजरेट करते हैं। उबाले आ गए हैं वो खाउसोई में, इसको बनाते हैं। इसके स्टेप्स ना बहुत लंबे हैं, तो जल्दी से बना के फिर मिलता हूँ। गाइज, मैं ना पिछले 10 मिनट से लगा हुआ हूँ और अभी ना सिर्फ इसका सूप ही बना है। मुझे दूसरा पेज है ना, वो उसके स्टेप्स अभी फॉलो करने बचे हैं भाई। ये देखो भाई, मेरी अब तक की अचीवमेंट। इन्होंने बोला है इसको थोड़ी देर और घुमाओ, तो मैं अच्छे बच्चों की तरह मान रहा हूँ। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे वेजीज। भाई ऑलमोस्ट इसकी जो ग्रेवी होती है वो प्रिपेयर हो चुकी है, मतलब 90% काम हो चुका है। मुझे नहीं पता यार इसका टेस्ट कैसा होगा। This is so good. भाई डिश ऑलमोस्ट रेडी है, असेंबली शुरू करें। पहले तो जाएंगी भैया नूडल्स, बस अभी ठीक से अंदर डल जाए। आए, now we put some chili oil. It's time for some condiments. ओ भाई, क्या लग रही है ये नूडल्स यार, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा ये सब मैंने बनाया है। चेक दिस आउट भाई, क्या लग रहा है मेरा खाओ सोए सूप। सिप लेके देखूं, ऑल्दो मैं सूप तो ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूं, बहुत बम बना है भाई। ओके, थोड़ा सा ना मिक्स कर लेता हूं। बॉम, क्या बात है तुषार, क्या बनाया है। नूडल्स भी भाई मैंने एकदम परफेक्टली कुक किए हैं। भाई मैं खोल रहा हूँ एक दुकान जहाँ पे सिर्फ मैं खाउसोए बेचूंगा और ये पार्फे भी बेचूंगा। इसको ट्राई करने का मन कर रहा है यार, सही में। भाई देखो, कैमरे की बैटरी कम हो गई है, तो इसको ना मैं अभी आराम से एंजॉय करूंगा, तब तक ये बनॉफी पार्फे ट्राई करें। आइए। उई 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 उई, नीचे मत गिर भाई, साफ मुझे करना पड़ेगा। Oh, this is good. भाई मैं अपनी खुद की अब बेकरी भी खोल रहा हूँ। क्या बनाया है मैंने भाई, बहुत अच्छा, कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो गई अपनी। ठीक है, जल्दी से इनको रैप अप करता हूँ, फिर शाम में मिलते हैं। ओके बाय। Later that same evening. Tex Mex toast. भाई
ये मुझे आसान लग रहा है। मैं इसको ना थोड़े अलग तरीके से बनाने वाला हूँ। वैसे तो इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कि इसको पैन पे टोस्ट वगैरह करो, बट इसको ना हम माइक्रोवेव में बनाएंगे। नहीं, माइक्रोवेव में नहीं, इसको हम बनाएंगे ओटीजी में। एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो वाले तरीके से बनाते हैं। ओके, ब्रेड आई है, बेल पेपर, केचप। ओ भाई क्या खुशबू आ रही है इसमें से। इसको थोड़ा थोड़ा स्प्रेड भी कर देते हैं। ये बन गई बात। अब ये ना 3 बीन मिक्स डालेंगे इस पे। यार ये ना सुबह उस कीनुआ बाउल के अंदर भी आया था। ओके, ये है भाई कोरिएंडर ऑयल, थोड़ा थोड़ा बस। चलो भाई ओटीजी में। अब फ्यू मोमेंट्स लेटर, लग तो रहा यार ये पक गया। आई डोंट नो, चेक करना, जैसे आलू वाले सैंडविच होते हैं वैसा नहीं लग रहा है ये। हाँ यार लग तो वही रहा है, बाइट लेके देखते हैं। टेक्स मैक्स तो पता नहीं, बट इसमें से क्या देसी फ्लेवर आ रहा है, हरी चटनी का फ्लेवर आ रहा है, बढ़िया वाले छोले का फ्लेवर आ रहा है, और ब्रेड तो है ही है भाई। ये ऐसे सैंडविचेस ना दिल्ली में मिलते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ घर में भाई। बट अच्छा है यार, जो भी है मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर अगर नाचोस वगैरह डाल के देते ना, ओह है मज़ा आ जाता। एक ये मेरा सैंडविच बच गया, एक मतलब ये टोस्ट बच गया, और एक डब्बा भी और पड़ा है, वो डिनर में खाएंगे। गाइस अब डिनर में पता है क्या है, सैलेड नहीं, नॉर्मल सैलेड नहीं है, टस्कनी सैलेड है विद फोकाशिया क्रूटॉन्स एंड हर्ब मोज़रेला। भाई अच्छा है, कुछ कुक नहीं करना, सब कुछ असेंबल करना है, तो शुरू करते हैं। इटालियन ड्रेसिंग को पहले बाउल में डाल के करना है मिक्स। अब इसके अंदर डालनी है चॉप्ड वेजीज। यार मुझे लगा था DIY किट है, वेजीज चॉप करके भेजेंगे, बट बड़ी मेहनत से मैंने वेजीज चॉप की हैं। नाउ वी पुट मोज़रेला चीज, डाल भाई। मिक्स करना है यार इसको। भाई ऑलिव्स भी आए हैं, ये भी मैं मिक्स कर ही देता हूँ, वैसे मुझे पसंद नहीं है बट चलो ठीक है। ये गए इसमें क्रूटॉन्स, ये गए इसमें लेटस, फाइनल स्टेप मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग। टस्कनी सैलेड भाई हमारा रेडी है, ठीक है। और इन्होंने इस पे लिखा था सर्व्स 2, भाई ये तो मैं अकेला खा जाऊं। भाई पहली बाइट में इतना बड़ा पीस मोज़रेला का है मेरे मुंह में, नथिंग स्पेशल, नॉर्मल सा सैलेड है, मेरा पेट भर जाएगा आज। यार बहुत मेहनत कर ली मैंने सच में, DIY के चक्कर में सारा तो मैं खुद ही बना रहा था। एनीवे अब जाने से पहले ना मुझे आपको MozBet ऐप के बारे में बताना है। दिस इज फॉर ऑल दी स्पोर्ट लवर्स। ICC अब लाइव हो चुका है और आप उस पे अर्न कर सकते हो MozBet के थ्रू। इस पे ना 5 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। आप इस पे डेली 6000 जीत सकते हो, 20 मिनट्स के अंदर विड्रॉल भी हो जाता है और 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी अवेलेबल है। आपको बस कुछ सवालों के जवाब हाँ या ना में देने हैं और आप 100% रियल कैश जीत सकते हो। जैसे कि क्रिकेट में अगले मैच में टॉस कौन जीतेगा, टीम ए या टीम बी, कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कौन जीतेगा, ऑप्शन ए इंडिया या फिर ऑप्शन बी पाकिस्तान। इसके अलावा आप गेम्स भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, जैसे कि जेटएक्स, क्रैश सी, एविएटर, और जीत सकते हो। MozBet सारी तरीके के पेमेंट्स को एक्सेप्ट करता है, तो जल्दी ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करो और मेरा प्रोमो कोड क्रेविंग्स डालो और आपको मिलेगा 34,000 रुपीज का वेलकम बोनस अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे और 250 फ्री स्पिन्स रजिस्टर करने पे। अब आई होप यू लाइक द वीडियो, आप सब्सक्राइब वगैरह कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग।